मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आ गया हूँ आपको ये रिक्शा बताने के लिए। ये जो रिक्शा है, इसका एक एक्सीडेंट हुआ है। ये रिक्शा अभी तक चला है 5,700 किलोमीटर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस रिक्शा को, इसकी क्वालिटी जो है, इसके साथ क्या हुआ है, इसका कंडीशन कैसा है। अभी बारिश चल रही है यहाँ पर, इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं बता सकता। पर आप यहाँ पर देखिए, इसका जो फ्रंट लुक है उसको काफ़ी ज़्यादा मार पड़ी है, लेकिन जो गाड़ी का ओवरऑल लुक है वो ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है। ये गाड़ी का काफ़ी मेजर एक्सीडेंट हुआ है, आप यहाँ पर बाजू में देख सकते हैं इसको। ये देखिए, यहाँ पर इसका जो स्क्रैचेस वैचेस पड़ गए हैं, इवन नीचे से आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसी कंडीशन है उसकी। और अगर मैं आपको पीछे से और साइड से बता दूँ तो इसके अंदर ये वाला जो है डैमेज हुआ है। लेकिन इतने सारे डैमेज के बाद भी ये गाड़ी का फंक्शनिंग जो है वो ख़राब नहीं हुआ है, गाड़ी अभी भी चल रही है। इनफैक्ट मैं अगर आपको इसको चलाकर भी दिखा सकता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको इसको चलाकर दिखाऊंगा। आपको ये मानना पड़ेगा कि ये जो गाड़ी है ये काफ़ी दमदार है, जिनके लिए मानना मुश्किल था कि एक नई कंपनी की रिक्शा की क्वालिटी कैसी होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक एक्सीडेंट के बाद भी ये रिक्शा कितनी ज़्यादा अच्छी कंडीशन के अंदर है। तो यार, ये वीडियो बनाने का पॉइंट सिर्फ इतना था आपको ये बताने का कि ये ईबस की इलेक्ट्रिक रिक्शा की क्वालिटी कितनी ज़्यादा बेहतर है। इतने बड़े एक्सीडेंट्स के बाद भी इसके अंदर कोई ऐसा मेजर इशू आया नहीं है, और गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल सही है, अभी तक गाड़ी चल रही है। तो जितना भी प्रॉब्लम आया है वो इसके डेंटिंग में आया है, थोड़ा बहुत जो है बॉडी वर्क है, और इसके अंदर जो आपका हेडलाइट और साइड लाइट है उसके अंदर जो स्क्रैचेस आई है, जो साइड लाइट जो है वो फूट गई है, तो उसको रिप्लेसमेंट आता है। उसमें कोई भी ज़्यादा ऐसा कॉस्टिंग आता नहीं है। इसके जो पार्ट्स है वो काफ़ी अफोर्डेबल है, काफ़ी चीप है। अगर आपको यहाँ पे किसी भी पार्ट को चाहिए तो हमारे यहाँ से ही मिल जाता है आपको। तो अगर आपको ये इलेक्ट्रिक रिक्शा देखकर इसकी क्वालिटी पसंद आई है तो आप भी इसको ख़रीद सकते हैं। हमारे पास ये नंबर है हमारा, आप हमें कभी भी कॉल कीजिए। और अगर आप इसको ख़रीदते हैं तो आपको सर्विसिंग की कभी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर आपके लिए 24/7 बैठे हैं। यह है ईवस ईवी, और हम है अहमदाबाद के अंदर, साणंद सर्कल, मकरबा रोड। थैंक यू गाइस, जय हिंद।